नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कुछ सालों पहले तक पतंजलि की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त तेजी के साथ बदला, पतंजलि ने खूब नाम कमाया। पतंजलि के संस्थापक आचार्य श्री बालकृष्ण से इस दौरान चर्चा की हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने कि किस तरीके से देश के भीतर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी पतंजलि ने खूब नाम कमाया। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय पतंजलि के संस्थापक आचार्य श्री बालकृष्ण जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, समिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप किस तरह देखते हैं पतंजलि के? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ही देश की समृद्धि और उन्नति की एक ये ब्रिज है, एक सेतु का काम करती है। क्योंकि बिना कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को कैसे मिलेगा, और पहुंचाने का साधन है तो सप्लाई चेन ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। यदि इसकी संबंधित समस्याओं के विषय में चर्चा होती है, समाधान की यदि चर्चा होती है, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। और ईटी ने ये कार्य आयोजित किया, वो बधाई के पात्र पूरी टीम, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। पतंजलि में अभी सिम लॉन्च किया सर, आपने आगे क्या और इरादा रखा है? अभी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, आगे आएंगे, और अभी आप बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों को संज्ञान में आ जाएगा। चल,